महाकाली मंदिर परिसर में सार्वजनिक राष्ट्रीय शारदा और दशहरा महोत्सव मंडल की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम लिया गया। रावण दहन महाकाली मंदिर परिसर में कई वर्ष से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी सार्वजनिक राष्ट्रीय शारदा और दशहरा महोत्सव मंडल की ओर से यह आयोजन किया गया था। शैलेश बागला, अशोक सिंह ठाकुर, संतोष लामगे, रामू तिवारी, दुर्गेश कोडम, रमेश सिन्हा और सुनील पाटिल इनकी इस समय उपस्थिति थी। इस समय मंच पर उपस्थित मान्यवरों का स्वागत सत्कार किया गया, पश्चात रावण दहन की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने रावण दहन किया। जो आता कार्यरत है आता इथे मंडळाच्या गौरवावर गरीब मंडळासाठी जागा कमी पडत असली तरी आम्ही म्हणतो की पाण्याची टाकी इथे झालेली पाहिजे आणि ती पाण्याची टाकी सुद्धा पूर्णत्वास येत आहे। तिथे मंडळातर्फे छोटासा व्यायामशाळा आहे असे आम्ही सामाजिक कार्यक्रम सुद्धा या मंडळाच्या वतीने आयोजित करीत असतो। दो जगह रावण का दहन हुआ होता था, एक रामनगर में और एक महाकाली मंदिर के परिसर में। मुझे याद है कि मैं जब 10 साल का था तो मैं अपने काका के साथ ये रावण दहन देखने के लिए आया था। छोटा होने के कारण मैं बहुत पीछे था और मेरे काका को मैंने बोला कि मेरे को सीट मिला तो उन्होंने अपने कंधे को उठा के मेरे को रावण दहन दिखाया। ये रावण दहन किसी धार्मिक से रिलेटेड नहीं है, जैसा लामगे साहब ने बताया कि ये अहंकार, आदमी के अहंकार, आदमी के अहम को हम जलाते हैं, उसको जोड़ दिया गया भगवान राम से। अब सभी जानते हैं कि रावण भी प्रकाश प्रदीप थे, राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था और राक्षस कुल से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सीता का हरण किया था, ऐसा वेदों में लिखा हुआ। अब धीरे धीरे ये हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया और आज इतनी बड़ी संख्या में अगर हम ये देखने के लिए आते हैं यहाँ पर और उसको 63 साल से लहंगे परिवार और उनके पूरे मंडल ने इसको जीत रखा, तो मैं सबसे पहले इस सार्वजनिक राष्ट्रीय दशहरा और मंडल को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे होंगे 3 महीने से नॉनस्टॉप पानी आ रहा था। आप चंद्रपुर के या पूरे हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको पैर रखने को जगह नहीं है। डॉक्टर के चैम्बर में भी लोगों ने सलाइन लगा के रखी है। इसका कारण पानी नहीं है, इसका कारण सिर्फ प्रशासन नहीं है, इसका कारण डॉक्टर नहीं है, इसका कारण हम लोग जो अपने आजू बाजू का ध्यान नहीं रखते हैं। गंदगी है तो गंदगी को साफ रखना है, यानी जो काम मोहल्ले का है मोहल्ले वाले ने करना, घर का घर वालों ने करना। और एक ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल का हम बच्चे लोगों को जो देते हैं, ये जो मेरा दशहरा महोत्सव का एक सजेशन है आपको कि मोबाइल का हम लोग दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आज किसी को भी फोटो भेजते हैं, हम इमेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, दुरुपयोग होना चाहिए और छोटे बच्चों को इसको कम से कम आपने देना चाहिए। ये एक मेरी तौर से मैं एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ।